माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी। और इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंडर आता है, एक्सरसाइज 6.5 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन इज लाइक दिस दैट फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, दो नंबर निकालने हैं, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, एंड देयर सम इज व्हाट, एंड देयर सम इज 16। तो लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, एंड वी आर गिवन दैट देयर सम इज 16 एंड बोथ द नंबर्स आर ग्रेटर देन 0। माइंड इट, बोथ द नंबर्स आर ग्रेटर देन 0 एंड वी नीड टू फाइंड द नंबर्स एक्स और वाई। ऐसे कौन से नंबर्स होंगे फॉर विच देयर सम इज देयर सॉरी सम ऑफ देयर क्यूब्स इज मिनिमम। तो सम ऑफ देयर क्यूब्स क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अगर आप इसके पिछले क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक को क्लिक करें और देख लें। आप आगे के देखना चाहते हैं वही प्रोसीजर फॉलो करें। तो लेट एस बी द सम ऑफ क्यूब्स, मान लिया कि एस इनके क्यूब्स का सम है, क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा नया वेरिएबल विच वेरिएबल इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना होता है। एस पी जो चाहें आप कर सकते हैं। एक्स क्यूब, अब हम वाई की वैल्यू को वन से एलिमिनेट कर देते हैं, तो लेट दिस बी नंबर वन। मान लीजिए ये कंडीशन जो है हमारे पास, दिस कंडीशन इज वन, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 16 माइनस एक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ दो वेरिएबल हैं एंड वी नो द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल ओनली। ट्वेल्थ क्लास में आपको एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आता है, तो हम इसे एक वेरिएबल में लाते हैं, एक इंडिपेंडेंट दूसरा डिपेंडेंट। तो अभी क्या थे, दो इंडिपेंडेंट थे, एक डिपेंडेंट था, तो हमने एक कम कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकेंगे, तो डी एस अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टू मिनिमाइज एस डी एस बाई डी एक्स। 3x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3 × 16 − x² फिर डेरिवेटिव ऑफ 16 − x इज −1। अब आप चाहें तो इसको खोलेंगे, देखें तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3x² प्लस इंटू माइनस इज माइनस 3 एज इट इज, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 2 × 16 × x 32x प्लस x². अब आपको दिख रहा होगा कि ये 3x² और ये −3 × x², ये दोनों क्या होने वाले हैं, कैंसिल, तो नो प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखें कि ds एस बाई डी एक्स का क्या है, तो ds अपॉन डी एक्स की वैल्यू आएगी आपके पास −3 × 256 प्लस 32 × 3x। अब आप इसको जीरो रख दें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए। टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स आर द पॉइंट्स जहां पे फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स डी एस बाय डी एक्स शुड बी इक्वेटेड विद व्हाट, 0। तो डी एस बाय डी एक्स इसको 32 × 3 भी था, 3 × 32, तो यहाँ मैं 3 लिखना भूल गया, 3 × 32 x, तो इसको 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा −3 × 256 प्लस 3 × 32 x इज इक्वल टू 0। इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 × 32 x इज इक्वल टू 256 × 3। 3 कैंसिल, 32 से ये 256 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 256 अपॉन व्हाट, 32। अगर आप पहले 16 से कैंसिल करते हो तो 16 2 जा और ये 16 16 जा, अब इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8। x की वैल्यू 8 है आपके पास, तो नेचुरली y विल बी 8 क्योंकि x प्लस वाई 16 है, तो x की वैल्यू 8 है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8। कहाँ से आया वैल्यू, फ्रॉम 1। पर अभी हम ये नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते, कि उनका जो सम ऑफ क्यूब्स है वो मिनिमम होगा, उसके लिए हमें सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो वेरिफिकेशन के लिए एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे डी एस बाय डी एक्स को। तो नाउ टू वेरीफाई एस इज मिनिमम
मिनिमम, तो डी टू एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू एस बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो इस वाले का आप समझ ले माइनस 3 इंटू 256 बीइंग अ कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, तो वो जीरो हो गया। प्लस 3 इंटू 32, 3 इंटू 32 इज व्हाट, ग्रेटर देन जीरो। एक्स की वैल्यू चाहे जो रखें आप, एक्स की रखें एट एक्स इज इक्वल टू 8, पर हाँ आप एक्स की कोई वैल्यू नहीं कह सकते क्योंकि एक्स की वैल्यू आपके पास 8 आई है, तो इट इज़ ग्रेटर देन जीरो एट एक्स इज इक्वल टू 8। देयरफॉर व्हाट, एस इज मिनिमम, एस इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू व्हाट 8 एंड वाई इज इक्वल टू 8। तो दोस्तों ये हैं वो दो पॉजिटिव नंबर्स, कौन से पॉजिटिव नंबर्स जिनका सम 16 है, पर जब इसका सम 16 है और सम ऑफ क्यूब्स क्या होगा, मिनिमम होगा। सम ऑफ क्यूब्स हमसे पूछा नहीं है, अगर सम ऑफ क्यूब्स पूछते हैं कि मिनिमम सम ऑफ क्यूब्स क्या होगा, तो 8 क्यूब प्लस 8 क्यूब करके वैल्यू निकाल देते। तो ये था दोस्तों इसका सोल्यूशन। मेरी बेस्ट विशेष है, आप चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं, आगे बढ़ाएं और खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं। विश यू ऑल द बेस्ट।